तो वो राधे राधे, जय पिताजी की। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि माता रानी जो है श्रृंगार के लिए आई है हमारे पास में, तो भक्त की जो ये 10 भुजाओं वाली माता रानी है, इनके जो है परमानेंट मैंने आंखें बना ली हैं। और भक्त ने जो है ये नील पेंट से जो है लगा हुआ था, तो ये हटाया नहीं क्योंकि श्रृंगार में जो है ये कवर हो जाएगा, तो ब्लू करने के लिए कहा था उन्होंने। और चाहिए कि उन्हें लॉन्ग लास्टिंग श्रृंगार जो उनका चले, तो मैं एक्रिलिक कलर यूज़ ना करने की बजाय मैं ये वाले जो है पेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये वाला, ये पेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए ये वाला कलर है ये। अब जो है मैं क्या करूँगी, माता रानी को जो पूरा उन्हें ब्लू चाहिए था, तो हम जो क्या करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर ब्लू ही कर देंगे। और एक कोटिंग से कुछ नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि लंबा श्रृंगार चले आपका, तो एक कोटिंग में कुछ नहीं होगा, कम से कम आप 2 से 3 कोटिंग ज़रूर कीजिएगा श्रृंगार की। इससे पता है क्या होगा, श्रृंगार जो है वो अच्छा खिलकर आएगा, और श्रृंगार का जो बेस भी है ना वो अच्छे से तैयार होगा। तो इस चीज़ को ना आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो है मैं पूरा ये करने के बाद में एक दिन के लिए जो है माता रानी को छोड़ दूंगी ऐसे ही सूखने के लिए। फिर एक दिन के बाद में नेक्स्ट डे जो है मैं दोबारा से कोटिंग करूँगी, फिर से बेस दोबारा से बनाऊँगी इनका जो है ब्लू कलर का। वो इस वजह से हम करते हैं ताकि ना, अब देखिए मैंने एक कोटिंग किया, अब देखिए बिल्कुल एक कोटिंग करने के बाद देखिए स्किन नज़र आ रही है ना माता के अंदर से, ये तो एक में ना ये अच्छे से प्रॉपर जो है वो बेस रेडी नहीं होता है। आपको 2 से 3 कोटिंग करनी चाहिए, अंदर की स्किन जो है वो पीतल की वो नज़र ना आए, इससे जो है आप अच्छे से श्रृंगार आपका उभर कर आएगा। अब जो है देखिएगा ब्लू जो है मैंने कर दिया है, भक्त ने जो है प्रॉपर ब्लू करने के लिए कहा था, तो ब्लू देखिएगा इतने कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो स्किन ना पूरी दिख रही है अभी इस टाइम पे। ये एक कोटिंग से कवर नहीं होगा, इसके लिए जो है मुझे डबल कोटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, शेड करनी पड़ेगी, डबल शेड करनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है ना श्रृंगार से जो है स्वरूप ही बदल जाएगा माता रानी का। और जिन भक्तों को ना दिक्कत होती है कि हम ना पेंट से कैसे श्रृंगार कर सकते हैं, तो आप जो है एशियन के पेंट ले लो, या फिर कोई भी कंपनी का आपको पेंट मिलता है अवेलेबल हो वो आप पेंट ले लो, पर एशियन बेस्ट है। उसे लेने के बाद आप 2 कोटिंग तो करो, उसके बाद में आप गोल्डन कलर यूज़ करो, कोई भी कलर यूज़ करो, उसकी बहुत अच्छी खिलावट आती है। तो अभी देखिएगा, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अजीब लग रहा है ये कलर तो अभी आपको, लेकिन जब ये श्रृंगार हो जाएगा ना प्रॉपर, तो ये बहुत सुंदर स्वरूप आएगा माता रानी का। अब देखिएगा माता रानी को जो है मैंने प्रॉपर जो है ब्लू कर दिया है, और पीछे से भी जो है माता रानी को मैंने ब्लू कर दिया है। देखिए पीछे से भी जो है मैंने ब्लू कर दिया है। आज जो मैं एक कोटिंग करके जो है छोड़ रही हूँ, कल जो है नेक्स्ट डे जो है मैं दोबारा से डबल कोटिंग करूँगी, तो जितनी भी जगह जगह जो छोटी छोटी है ना वो बिल्कुल प्रॉपर कवर हो जाएगी।